नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर आज प्रधानमंत्री ने किया शहीदों को याद। जम्मू संभाग के समर जोन में आने वाले स्कूल कॉलेज खुले, स्कूलों में कम ही रही विद्यार्थियों की हाजिरी। डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट के खिलाफ लोगों और राजनीतिक पार्टियों का विरोध लगातार जारी। और बेरोजगार डेंटल सर्जन रोजगार की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ फिर हुए एकजुट, प्रदर्शन कर रोजगार मुहैया करवाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। पूरा देश और 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। इस भयावह हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदान को याद किया है। पुलवामा हमले के शहीदों को सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी श्रद्धांजलि दी है। गौरतलब है कि आज से 3 वर्ष पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की एक बस से जैश के आतंकियों ने शक्तिशाली विस्फोटक से लदी कार भिड़ा दी थी। धमाके में 40 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। हालांकि ये हमला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को तबाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है और इस मौके पर आज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथपुरा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सेना के अधिकारी और जवान भी मौजूद थे, जिन्होंने जवानों की शहादत को नमन किया और उन्हें याद किया। अधिकारियों ने कहा कि देश इन वीर जवानों की शहादत को कभी भुला नहीं सकता। हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं, उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में, उन वीर जवानों के याद में, उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधमपुर में भी आज डोगरा क्रांति दल के सदस्यों ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डोगरा क्रांति दल के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने शहीदों को नमन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय विद्या मंदिर स्कूल अम्फला जम्मू में मातृ पितृ दिवस मनाया गया। बच्चों ने इस मौके पर माता पिता की पूजा अर्चना की और उनकी सेवा करने का संकल्प लिया। वहीं आज पुलवामा के शहीदों की पुण्यतिथि भी है, इस मौके पर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एएससी बटालियन के कर्नल अनुपम सिंह, जम्मू कश्मीर शिक्षा समिति के प्रधान वेदभूषण शर्मा, कोषाध्यक्ष सतीश मित्तल और स्कूल के प्रिंसिपल रीना राजपूत विशेष तौर पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि कर्नल अनुपम सिंह और शिक्षा समिति के प्रधान वेदभूषण शर्मा ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। मैडम 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 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले लगातार कम होने के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी कर दिए। जम्मू के समर जोन में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए और स्कूल में छात्र काफी उत्साहित दिखाई दिए। स्कूल कॉलेजों में प्रशासन के आदेश के अनुसार कोविड एसओपीज का पालन किया जा रहा है। वहीं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बच्चे अब गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे और जो कोविड दौरान कमी रह गई थी उसे भी दूर करेंगे। देखिए, बड़ा खुशी का माहौल है, हम बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि कोरोना में एक तो जिन लोगों की ज़िंदगी चली गई उनको तो लाइफ कैन नॉट बी ब्रॉट बैक,
उनका नुकसान हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो एजुकेशन का हुआ है, शिक्षा का हुआ है। इस दौर में जो बच्चों ने जो शिक्षा ग्रहण की है ऑनलाइन, मैं मानता हूं कि वो उस मुकाबले में नहीं है जैसे बच्चा एक स्कूल में आता है, इंस्टीट्यूशन में आता है। बिसाइड्स एजुकेशन, बिसाइड स्टडीज़, ही लर्न सो मैनी थिंग्स, तो वो बच्चों का नुकसान हुआ है। आज गवर्नमेंट का डिसीजन आया है कि आज से 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट की गई हैं। 21st से प्राइमरी विंग भी, मिडिल विंग भी स्टार्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सभी शिक्षा संस्थानों को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है और इस आदेश के तहत सोमवार को जम्मू में सभी शिक्षा संस्थान खुल गए। जम्मू में हालांकि शिक्षा संस्थान खुल गए हैं मगर विद्यार्थियों की हाजिरी काफी कम रही। प्रशासन द्वारा जिस अफरा तफरी में यह आदेश जारी किया गया है उस पर स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें कोई भी तैयारी करने का वक्त नहीं मिला है। वहीं विद्यार्थियों को भी इस सिलसिले में उचित जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारी टू ईयर्स से हमारी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी। ऑनलाइन में इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, तो अब मैं बहुत थैंक करती हूँ गवर्नमेंट के कि उन्होंने स्कूल ओपन किए हैं जिससे हमारी अब पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे फाइनल एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, सो मैं बहुत ज़्यादा थैंक करती हूँ गवर्नमेंट का कि उन्होंने स्कूल ओपन किया। अब हमारी वैक्सीनेशन भी फुली हो गई है, तो थैंक टू गवर्नमेंट कि उन्होंने स्कूल ओपन किए। गवर्नमेंट का एक बहुत ही ग्रेट डिसीजन है जो हमारे स्कूल खोले हैं। लॉकडाउन में क्या होता था कि ऑनलाइन सिस्टम है तो ठीक था पर हम इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं कर पाते थे। सर, स्कूल खुलने का ऑर्डर तो आ गया है, बच्चे भी हमारे आ ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ऑफिशियली एक्चुअली अभी तक बच्चों के आने का था नहीं, तो बच्चे तो हमारे आ रहे हैं लेकिन अभी हमारा स्कूल प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं हो पाया, तो आज हम सारा कर लेंगे। तो आई होप कि कल से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे हमारे। नेचुरल सर, वो गाइडलाइंस तो बच्चे प्रॉपरली फॉलो करेंगे ही, को मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, वो तो हम उनको बार बार देते ही रहते हैं सर। वो तो जब भी कभी हमारे बच्चे ऐसे कोई ऑप्शनल वर्क के लिए कोई अटेंड इनके लिए आते हैं तो दूसरी चीज़ों के लिए, वो तो हम तब भी इनको देते हैं। जैसे कि कल आर्डर आया कि भाई स्कूल खुलेंगे, भाई ये लेट आया आर्डर हमारे पास कि भाई स्कूल खुलने हैं। उसके बाद CEO साहब का भी आर्डर आ गया, फिर हमने लेट बच्चों को मैसेज किया था कि भाई आपने कल आना है, तो ये भी साथ में कहा कि भाई आप थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि पहले हम स्कूल को सैनिटाइज कर लेंगे। आज स्कूल सैनिटाइज हो रहा है और थोड़े से बच्चे आए हैं, अभी हमने इनको बगैर यूनिफॉर्म के ये सारे आए हैं, कल से ये बच्चे सब यूनिफॉर्म में आएंगे, दोनों क्लासें आएंगी, 11th भी 12th भी आएंगी और लोअर क्लास में 9th, 10th भी आ जाएगी। जिला सांबा के मीन सरकार इलाके में भी आज सभी स्कूल खुल गए। हालांकि स्कूल में विद्यार्थियों की हाजिरी काफी कम रही मगर जो भी विद्यार्थी स्कूल आए थे वे स्कूल आने को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। स्कूलों को खोले जाने को लेकर विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये बच्चों का जो है हमने मैसेज ग्रुप में मैसेज दिया है कि बच्चे आज से स्कूल जो है वो आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद करते हैं कि बच्चे अब जो है सही तरीके से जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोटोकॉल के तहत पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनका पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे और बच्चों को अच्छे से मेहनत करवाएंगे। बच्चे तो आज फिलहाल स्कूल नहीं आए हैं लेकिन उनको हमने मैसेज भी भेज दिया है, फ़ोन भी किए हुए हैं। उम्मीद है कि कल तक बच्चे भी आ जाएंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूल तो हमारे लिए तो पहले भी खुले थे लेकिन हमें आज लग रहा है कि हमारे बच्चे जो है वो स्कूल आ रहे हैं, हमें इस बात पर बहुत खुशी हो रही है। स्कूल जब बच्चे नहीं आते थे तो स्कूल भी हमारा ऐसे सूना सूना था और उनकी जो पढ़ाई का जो लॉस हुआ है ना वो तो बहुत ज्यादा हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व विधायक शक्ति परिहार के दरमियान हुई बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि इस बातचीत से साफ है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार की गई है जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर अपनी मनमानी की है। अलग अलग खितों से आवाजें उठ रही थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इसके विरोध में स्वर उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट BJP के दफ्तर में बनाई गई है। अब जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है रविंदर रैना की, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं BJP के शक्ति परिहार के साथ, उसमें दोनों की जो कन्वर्सेशन है उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी बना रही है और इसमें मॉडिफिकेशन भी वो खुद ही कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में
स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के रविंदर रैना जी शक्ति प्रभार को कहते हैं कि असर का जो इलाका है वो वोटर आपका है और उस इलाके को हम रामबन से काटकर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगा रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को हम कहेंगे। रविंदर रैना जी कहते हैं कि मैंने वो इलाका काट दिया वहाँ से और उसको शक्ति परिहार के इलाके में शामिल कर दिया है। ये खुद वो तस्लीम कर रहे हैं, यानी रिपोर्ट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना रही है, उस रिपोर्ट को बीजेपी के लोग बना रहे हैं। जैसा रविंदर रैना ने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में ये स्वीकार कर लिया है और ये जमहूरियत के साथ एक मजाक किया जा रहा है। जमहूरियत की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, स्वतंत्र अदारों को किस तरीके से अब्यूज़ किया जा रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन की जो ऑटोनमस उसको हम बोलते हैं वो सिर्फ कागज़ों में है। हकीकत यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों के ऊपर काम कर रही है, उनकी डिक्टेशंस के ऊपर काम कर रही है। डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे एसोसिएशन के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि कई सालों से विभाग ने उनके लिए कोई नौकरी तक नहीं निकाली है, लिहाजा सरकार उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार दे। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश गुप्ता और पार्टी के अन्य लोग भी डेंटल सर्जन के साथ प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। सर हमारी मांग वही पुरानी जो पिछले 14 सालों से है कि हमारी पोस्टें निकाली जाएं और गवर्नमेंट ने हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि ये लोन के नाम पर। सर ये स्कीम तो पहले ही ईडीए के थ्रू है। बिश्नाह के पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने आज क्षेत्र के गांव हरसा दब्बड़ में सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। अश्विनी शर्मा ने इस मौके पर कहा कि सड़क का निर्माण होने से इलाके के लोगों की न केवल मांग पूरी हुई है बल्कि सड़क के बनने का लाभ विभिन्न गांव के लोगों को भी मिलेगा। मंदिर से लेकर देवली दब्बड़ का ये लिंक रोड है, ये एक बड़ी जेन्युइन डिमांड थी यहाँ के लोगों की, जो काफ़ी देर से लोग चाहते थे कि ये रोड जो है इसको बनाया जाए। तो आज इसका शुरुआत जो है वो की गई है। मेरे साथ जहाँ हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन सुरजीत जी, जहाँ की सरपंच जो हैं दर्शना जी, हमारे साथ जय भारत जी हैं जो एक्स वाई चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर हैं, और यहाँ के नायब सरपंच चौधरी गारा जी, बाकी पंचेज जो यहाँ के हैं सारे सब ने मिलकर आज यहाँ इसका काम शुरू किया है। लखनपुर पुलिस ने एक बार फिर पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए पशु तस्करों से 13 पशु मुक्त करवाए। लखनपुर पुलिस ने एक विशेष नाका लगाकर जांच के दौरान ये सफलता हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में वाहन चालक को भी हिरासत में लिया है, वहीं वाहन को भी अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये निर्माण कार्य जो आप देख रहे हैं ये निर्माण नहीं बल्कि एक गरीब परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। जी हाँ, इस गरीब परिवार के सपने को सच करने
चेहरे पर मुस्कान और सुकून लाने का प्रयास समाज सेवक दिलावर सिंह मन्हास, उनके सहयोगियों और युवा राजपूत सभा के सहयोग से संभव हो पाया है। भोर कैंप चट्ठा में रहने वाले इस परिवार का कमाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण समाज सेवक दिलावर सिंह मन्हास और उनके सहयोगी आगे आए, जिन्होंने इस परिवार की न केवल आर्थिक मदद की बल्कि मकान बनाने में भी अपना सहयोग दिया। जकारा मां बावे वाली दा बोल सांचे दरबार की, जकारा मां बावे वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मेरे को खुद नहीं पता चलता कि मेरे हाथ से ये काम कैसे हो रहे हैं, बस जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, उनकी वजह से ये जो सारे काम पूर्ण होते हैं और मेरे को जो ये दुआएं मिलती हैं ये मेरे को लगता नहीं कि किसी और काम में मिलनी थी, इसलिए ऊपर वाले ने मेरे को ये काम करने के लिए भेजा। आज मेरे को बड़ी खुशी है कि इन बच्चों का जो सहारा था, सर पे छत नहीं थी, वो छत हमने दे दी है और आज इनकी छत पड़ने जा रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे इनकी फैमिली को कोई छोटी सी कोई काम, एक दुकान ही शायद आगे बना के लें जिससे ये घर का घर का घर और काम का काम चले और जिनको इस कारण इनको आगे जो मुश्किलें जिनके सर पे बाप माँ बाप का सहारा नहीं होता है वो लोग हमने देखे हुए हैं, बड़ी मुश्किल होती है बाद में। जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी, जो सगे संबंधी होते हैं आस्था आस्ता वो भी शरीक बन जाते हैं, वो भी कुछ समय तक ही साथ देते हैं, पूरी ज़िंदगी कोई साथ नहीं देता। इसलिए माता रानी की दया से, बावे वाली माता की, वैष्णो माता की वजह से, वाहेगुरु की वजह से, अल्लाह की वजह से ये सारे काम जो हम कर रहे हैं। पर मेरे को जम्मू वालों के लोगों से थोड़ी सी ना उम्मीदी है कि हमने इतनी बार बोला इनको कि अगर कोई ऐसी वीडियो देखते हो, आज हम कम से कम महीने के बाद हम यहाँ पे दोबारा आए हैं, तो मेरे को बड़ी शर्म की महसूस होती है कि जम्मू वालों को ऐसे बोलते हैं कि जम्मू के सारे लोग अपने लोग हैं, पर किसी एक इंसान ने भी इनके लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, जो हमने सोचा भी नहीं था वो हो रहा है, सोचने से भी ज़्यादा हो रहा है। मैं नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो सकता है कोई मसीहा, तो आपके सामने ही है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा ही हो रहा है जी। हम बड़ी खुश हैं कि हमारा कमरा बन रहा है और हम खेल सकेंगे, हम अपने कमरे में पढ़ाई करेंगे। परिब्रह्मणा म्युनिसिपल कमेटी के अधीन आने वाले पार्क की खराब हालत के बारे में पिछले दिनों जेएल के मीडिया ने समाचार दिखाया था, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्क की सफाई का काम आरंभ करवाया। क्षेत्र के लोगों ने पार्क की सफाई का काम शुरू होने पर जेल के मीडिया का आभार भी व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोमवार को अरसपुरा स्थित महात्मा गांधी पार्क में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस एससी सेल के राज्य चेयरमैन करण भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश के जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा को करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को वहां की जनता बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। सबको वेलकम, और यहां तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और जम्मू कश्मीर में भी चोर दरवाजे से वो सरकार चला रहे हैं, दो दो सरकारें उनकी है, इसीलिए उसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जबरदस्त आक्रामक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग कर रहे हैं, मगर ये डबल इंजन के सरकारों को हमारी देश की जनता समझ चुकी है, हमारी उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग नीचे डरते नहीं है। हम इक्तिसादी तौर पर गरीब हो सकते हैं, हमें कसमांदा हो सकते हैं, मगर सियासी तौर, राजनीतिक तौर,
हमारा हिंदुस्तान का गरीब गरीब नहीं है, हमारा जम्मू कश्मीर का गरीब राजनीतिक तौर गरीब नहीं है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट आप सबके हमारे सामने, इसको हम कहते हैं लीक रिपोर्ट, ये कहीं चोर दरवाजे से पब्लिक डोमेन में आया। इस रिपोर्ट को लेकर न डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी इसको ओन किया न डिसओन किया, तो इसलिए फिर भी जो एक चर्चा चली, अगर इस हिसाब का डिलिमिटेशन वो फॉर्मली आगे रखेंगे तो फिर हमने पहले से कहा ये डिलिमिटेशन का काम नहीं है, ये डिवास्टेशन का काम है, इसको डिवास्टेशन कमीशन का नाम देना चाहिए। मगर मैं ज़ाती तौर मानता हूँ उसमें जो सुलझे हुए लोग हैं, चाहे फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्टोरल अफसर है, मुझे लगता है कि उनको जम्मू कश्मीर के इस डिलिमिटेशन में हाथ ही नहीं लगने दिया। ये कहीं से पीछे से कुछ डिस्ट्रक्टिव लोगों ने बनाया है, जिनकी नीयत थी कि जम्मू कश्मीर का टोटल नक्शा हमें बदलना है। वरना डिलिमिटेशन का काम है, अगर पहले के डिलिमिटेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज रही है, लोगों को तकलीफात हैं एरिया के हिसाब से, टेरिन के हिसाब से, कम्युनिकेट, उसको इस डिलिमिटेशन में उसको करेक्ट करना है, लोगों को आसाइश में डालना है। जो चुनावी वादे भाजपा ने यहाँ पे किए थे उसकी पोल खुल के रह गई है, और आम लोग जो देहातों में रहते हैं उनकी परेशानियों में इजाफा यहाँ पे हुआ, रात कहीं नहीं यहाँ पे मिली। इसलिए भाजपा की जन विरोधी नीतियों को देखते हुए एक बिगुल सा बुझाया है, और जब भी चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो हमें लगता है कि ये बदलाव की रणनीति यहाँ पे होगी, और लोग जिस ढंग से तंग आए बदलाव करके कांग्रेस के सारे साथियों को जिता के नया एक मौका दिया। सुचेतगढ़ सीट को खत्म कर दिया, लोगों में गुस्सा, क्या कहना चाहोगे? हम सब उन लोगों के साथ है, इन्होंने तो पूरा जम्मू कश्मीर को जो 2-3 साल पहले जब हमारी रियासत का दर्जा तोड़ा था उसी दिन रियासत ही ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद इन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर हिंदुस्तान के यहाँ पे भेजे लेकिन जिंदा नहीं कर सके। उसका गाज जो है वो नौजवानों पे गिरी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, देहातों में लोग मकान बनाने के लिए भी परेशान हो गए, हर एक लिहाज से लोगों की दिक्कतों में इजाफा यहाँ पे हुआ है। इसलिए लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव का वक्त आए, वो बैलेट का बटन दबाए जिस ढंग से हिमाचल के लोगों ने दबाया, और वहीं से सारे सारे नुमाइंदे कांग्रेस के। एम्स का निर्माण कर रही अहलूवालिया निर्माण कंपनी टिप्पर वालों को उनके काम का पैसा नहीं दे रही, जिसको लेकर टिप्पर चालकों ने आज कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की है कि उनका बकाया पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। टिप्पर चालकों ने कहा कि वे पैसे की मांग को लेकर पहले भी कई बार गुजारिश कर चुके हैं मगर कंपनी उनको गंभीरता से नहीं ले रही। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में पंजाबी गीत सोनिया को लॉन्च किया। इस मौके पर गीत के निर्माता और कलाकार भी मौजूद थे। पूर्णिमा शर्मा ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के कलाकार भी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो हर जगह अपना नाम रोशन करेंगे। और लोगों का भी बहुत बहुत प्यार मेरे साथ आज तक बना रहा है, जैसे कि आपने मेरे सारे डोगरी गाने जो हैं पहले सुने हैं, तो ये मेरा पहला जो है पंजाबी सॉन्ग है सोनिया, तो मैं चाहूँगी कि आप इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा, और अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ इसी तरह बना रहा तो आगे भी मैं और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देख के आऊँगी। एंड थैंक्स पूर्णिमा मैम, आपने इतना टाइम दिया अपना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर आज प्रधानमंत्री ने किया शहीदों को याद। जम्मू संभाग के समर जोन में आने वाले स्कूल कॉलेज खुले, स्कूलों में कम ही रही विद्यार्थियों की हाजिरी। डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट के खिलाफ लोगों और राजनीतिक पार्टियों का विरोध लगातार जारी। और बेरोजगार डेंटल सर्जन रोजगार की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ फिर हुए एकजुट, प्रदर्शन कर रोजगार मुहैया करवाने की मांग। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक डू फॉलो आवर फेसबुक पेज।